जब वो बोलने की हैसियत में आएंगे हम उनके बारे में भी बोलेंगे कि हैसियत में आएंगे हम उनके बारे में भी बोलेंगे भाई, जब वो खुद ही नहीं बोल पा रहे गठबंधन में रहकर तो हम क्या बोले उनके बारे में। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज प्रेस वार्ता की है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को औकात दिखाते हुए उन्होंने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार को खूब खड़ी खोटी सुनाई है। जी हाँ, आपको हम बता दें, चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और संरक्षण देने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे नीतीश कुमार हैं। आगे चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। आने दीजिए चिराग जी, आपके चाचा कह रहे हैं कि की है उनकी उनकी रहेगी और इसको कोई भी ताकत उसे नहीं छीन सकती। चिराग जी, वो आपको चुनौती है, गठबंधन को चुनौती दिया है। अच्छा, इस विषय पे सारे सवाल एक साथ पूछ लीजिए, मैं जवाब दे। आपके चाचा कह रहे हैं हाजीपुर सीट मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, तो क्या इस बात से आपको चुनौती दे रहे हैं या फिर गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं? और इस विषय पर सवाल, नीतीश कुमार पे आप हमलावर रहते हैं, विपक्षी खेमा पे रहते हैं, चाचा पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं जब टक्कर करने वाले और मेढक बताते हैं आपको? भाई, ये मेरे संस्कार नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, उनके पास यहाँ तक का अधिकार है कि वो मुझ पर कल को हाथ भी उठा लेंगे। आप समझ रहे हैं, वो उम्र में रिश्ते में मुझसे कितने बड़े हैं, क्या शोभा देगा मुझे कि मैं उन पर पलट कर मैं जवाब दूँ? नीतीश कुमार बड़े नहीं है भाई, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। पाँव तो मैंने नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए। उन्होंने कहा है मेरे चाचा कोई नीति लेकर आएंगे, मैं नहीं उससे सहमत रहूँगा, उसका भी मैं विरोध करूँगा। पर वो मुझे नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उसमें क्या जवाब दूँ? भाई, हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अगर मैं नाली से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में, गलत है इस तरीके की भाषा। बट उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट ये व्यक्तिगत बात है, हम लोग की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जो एक राजनीतिक प्रश्न आपके द्वारा किया गया हाजीपुर को लेकर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब दो घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर कर, और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए। भाई, हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने से पहले तमाम अपनी इन चिंताओं पर हम चर्चा कर चुके। आज अगर हम बोलते हैं तो गठबंधन वो हमको अधिकार देता है कि हम ये बोलें। हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी भी सीट पर दावेदारी करनी है तो पहले गठबंधन में जाइए। इस तरीके की बात करना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसकी औकात है, ये गलत है। ये गठबंधन को, अपने ही गठबंधन को चुनौती देने के जैसा है, ये गलत है। गठबंधन के भीतर एमिकेबली इसको सुलझा। चुनाव से पहले आपका बंगला आपके पास होगा? अरे प्रभु, बंगले की अगर लड़ाई होती तो हम गठबंधन से अलग होते, उस वक्त भी नतमस्तक हो जाते, बंगला मंत्रालय सब रहता। भाई, चिराग पासवान किस लक्ष्य के साथ चल रहे हैं? हम बिहार बस बिहारी बस की बात कर रहे हैं, आप हमारे बंगले को फर्स्ट कर रहे हैं, कैसे होगा ये? हाँ भाई, भाई जब वो खुद ही नहीं बोल पा रहे गठबंधन में रहकर तो हम क्या बोले उनके बारे में? जब वो खुद ही नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब वो बोलने की हैसियत में आएंगे हम उनके बारे में भी बोलेंगे। अब उस दिन लालू जी ने बोला ही ना कि प्रधानमंत्री जी आखिरी बार झंडा तोरण कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से। हम नहीं सहमत हैं, हम तो बोले ही कि वो प्रधानमंत्री जी की चिंता कम और अपने मुख्यमंत्री की चिंता ज़्यादा करें कि ये कब तक झंडा फहरा पाएंगे आने वाले दिन। उनके गठबंधन में हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी की बोलने के, और ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, भाई आप सब उनको लंबे समय से जानते हैं, हमसे सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, बट ये हम सब जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानता है, सिंगल मैन आर्मी है वो, अपने सामने किसी और को ना बोलने दे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तेजस्वी यादव को वो बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं, तेजस्वी यादव की उतनी औकात नहीं है कि चिराग पासवान उनके बारे में बात करें। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में भी खूब खरी खोटी सुनाई। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज पीआर के साथ।